Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 4, that is current, electricity and magnetism. Students, इसमें हम देखने वाले हैं इसका question answer पूरा आपके digest का है. So let's see, यहाँ पे देखिए जो आपको question रहता है आपका can you recall, वो उसका question का answer यहाँ पे which constituents are present in an atom. So यहाँ पे देख सकते हैं proton, electron and neutron. What will happen if a glass rod is rubbed on a silk cloth? तो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर. How do object get charges? So उसका भी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा. So यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको वीडियो यहाँ पे जो जितने भी स्क्रीनशॉट हैं मैं आपको एक एक क्वेश्चन का बहुत ही स्लोली यहाँ पे स्लाइड कर रही हूँ ताकि आपको पूरा आंसर दिख सके और आप उसका आंसर लिख सको. फोर्थ देखिए, वॉट आर स्टैटिक एंड मूविंग चार्जेस, इसका आंसर देख सकते हो क्योंकि आप पीडीएफ डिमांड करते हो. पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कैसे करवा सकती हूँ यूट्यूब पे, इसके लिए तो मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, उसी पीडीएफ का, ताकि आप वीडियो पॉज कर करके लिख सको. ठीक है, यहाँ पे सारा आंसर देख सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज the SI unit of electric charge is the कॉलम, यहाँ पे आंसर देखिए लिखा है. सेकेंड का आंसर देखिए यहाँ पे है. थर्ड का आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे है. फोर्थ एंड फिफ्थ का पूरा आंसर. Now write proper words from the following group of words in the blanks and rewrite the complete sentences. So यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे fill up किया गया है और इन सब का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. फोर्थ फिफ्थ, अब सब का आंसर देखिए यहाँ पे है, ये रहा, ये पूरा आपका क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में ही है. जो आंसर है वो अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं भी देख पाओगे या देख भी पाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ में. वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, अपना वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हो, नोटबुक कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है, फिलअप किया हुआ है. पहले में ये राइट है, इसमें 1.5 ही, ये वाला, इसमें भी देखिए ये वाला राइट है, इसमें देखिए सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा सबका आंसर. तो यहाँ पे भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आंसर आपका क्वेश्चन के साथ है, तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सारे आंसर इस तरीके से लिखे हुए हैं. ठीक है, क्वेश्चन के साथ में आंसर है. ट्रू फॉल्स देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है. सबका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ट्रू फॉल्स का. फॉल्स क्यों है उसका भी रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ब्रैकेट में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अभी आइडेंटिफाई द ऑड टर्म, इसको ऑड टर्म में आपको आइडेंटिफाई करना है. ये देखिए इसका आंसर वन का, यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन दिया गया है तो आप देख सकते हो क्या क्या इसमें आपको ऑड टर्म्स बताना है. प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड या फिर इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बायोफैन फोर्स, ऐसे सेकंड में भी दिया गया इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक आयन. तो क्या है आंसर यहाँ पे देखिए, सेकेंड में है इलेक्ट्रिक बेल. क्यों? क्योंकि ये वर्क करता है बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. इसमें क्या है? बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अदर्स आर स्केलर क्वांटिटी.
वन सेंटेंस आंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं सबका क्वेश्चन। मैं आप एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होता है कि मिस बहुत लेंदी हो जाता है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए जस्ट मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे शो कर रही हूँ ताकि आप आंसर लिख पाओ। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर यहाँ पे। एक बार वापस से दिखा देती हूँ पूरा पेज, स्लोली यहाँ पे शो कर रही हूँ आंसर आपको ताकि आप इजीली वीडियो पॉज करके आंसर उसका लिख पाओ विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप थर्ड फोर्थ का। ये आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया गया उसका है, ये तो आपकी बुक का भी है। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट देख सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके बाद ये देखिए, ये आपको फिगर आ सकता है बनाने के लिए, तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। टेंथ क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर एंड आंसर आल्सो 11 का देख सकते हैं। ट्वेल्थ का क्वेश्चन यहाँ पे है, 13 का यहाँ, थर्टीन का आंसर इतना थोड़ा सा और बाकी देखिए यहाँ पे इतना सा ही है, उसके बाद यहाँ पे है थोड़ा सा ये वाला, फिर 14 का क्वेश्चन यहाँ पे है। फिफ्टीन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 6वीं एंड 8वीं। उसके बाद यहाँ पे नोट में दिया गया है इम्पोर्टेंट जो है। ये फिगर जो दिया गया है फिगर 4.6 उसका ही है। ठीक है, डायग्राम का ड्राइंग बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर देख लीजिए ध्यान से।
ये सब जो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ये वाला ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उन सब का आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आंसर यहाँ देखिए। नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतना ज़्यादा है कि मैं अगर एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा। क्वेश्चन उसका एप्लीकेशन, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिगर भी बनाया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल का। ये जो यहाँ पे है आंसर, सिर्फ इतना नहीं है यहाँ पे भी है, आप देख पा रहे हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज मेमोरी मैप, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, सारा जितना भी क्वेश्चन आंसर था यहाँ पे मैंने सारा आपको शो कर दिया है, तो आप वीडियो को अच्छे से देख लेना एंड तक। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन पूछे। चलो कोई और वीडियो चाहिए आपको क्वेश्चन आंसर का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।